हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने काफी कुछ पढ़ लिया था मेरे दोस्तों। पिछली क्लास में महाराणा राज सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई? महाराणा राज सिंह के शासनकाल के बारे में पढ़ रहे थे, और किस प्रकार से महाराणा राज सिंह, राज सिंह के बाद हम जो नेक्स्ट जो राजा पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, कौन पढ़ने जा रहे हैं? जय सिंह, महाराणा जय सिंह। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, महाराणा जय सिंह के बारे में। ठीक है, महाराणा जय सिंह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। और महाराणा जय सिंह के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या वो हम देखते हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। देखिएगा, इसका जो शासन काल माना जाता है 1680 से 1698 तक माना जाता है। इसका शासन काल कहाँ से माना जाता है? 1680 से लेकर 1698 तक। कहाँ तक माना जाता है भाई? 1680 से लेकर 1698 तक माना जाता है। किसका शासनकाल? महाराणा जय सिंह का। महाराणा जय सिंह के बारे में वैसे ज्यादा कुछ विशेष बात याद नहीं रखनी भाई, आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो कहा जाता है इसके समय में दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई। कौन सी? दूसरे नंबर की मेवाड़ मुगल संधि किसके शासनकाल में हुई है? इसी के शासनकाल में हुई है। ठीक है, इसके शासनकाल में हुई है दूसरी मेवाड़ मुगल संधि। किसके शासनकाल में हुई है भाई? जय सिंह के शासनकाल में दूसरी मेवाड़ मुगल संधि हुई है। वो कब हुई है, थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं थोड़ी सी देर। ठीक है भाई, अब क्या कंडीशन पे है दोस्तों? यहाँ पर 24 जून 1681 को, ठीक है, यहाँ पर बात करें दूसरी मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि जो होती है प्यारे दोस्तों, ये कौन सी? दूसरे नंबर की सेकंड मेवाड़ मुगल संधि कब होती है? 24 जून। कब होती है भाई? 24 जून 1681 कब होती है भाई? 24 जून 1681 को किस किसके बीच होती है? जयसिंह, और कहा जाता है कि यहाँ पर औरंगजेब के किस किसके मध्य होती है ये संधि जो होती है प्यारे दोस्तों, ये किस किसके मध्य होती है? ये होती है जयसिंह, कौन भाई? जयसिंह, कौन? जयसिंह और प्लस कौन था भाई? औरंगजेब के मध्य। कौन? औरंगजेब के मध्य होती है। ठीक है, औरंगजेब के मध्य होती है, औरंगजेब के मध्य होती है। कौन सी संधि? ये संधि। ठीक है प्यारे दोस्तों, इनके बीच में क्या होती है? संधि होती है ना, ये दूसरी संधि मानी जाती है। कौन सी? मेवाड़ मुगल की दूसरी संधि मानी जाती है। कौन सी वाली? ये 24 जून 1681 को जो मेवाड़ और मुगल दरबार, यानी कि किसके बीच है? और इसी संधि के तहत क्या किया जाता है? इसी संधि के तहत, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत क्या किया जाता है भाई? जजिया कर है वो समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। जजिया, जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। जजिया कर समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? जजिया कर समाप्त किया जाता है। कौन सा कर समाप्त कर दिया जाता है? जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है इस संधि के तहत। पहली भी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? जय सिंह, जय सिंह का शासनकाल कब हुआ है भाई? ये 1680 से लेकर 1698 तक इसका शासनकाल माना जाता है। उसके बाद इसमें क्या काम हुआ? वैसे ज्यादा विशेष बातें नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या काम हुआ ये तो एक दो बातें। इस समय मेवाड़ मुगल संधि हुई दूसरे नंबर की, पहली तो अमर सिंह के शासनकाल में हुई है। कब हुई थी? अमर सिंह में 5 फरवरी 1615 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को मेवाड़, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। ये दूसरी मेवाड़ मुगल संधि औरंगजेब और जयसिंह के बीच होती है, महाराणा जयसिंह के बीच होती है। और इसके तहत क्या किया जाता है कि जजिया कर जो औरंगजेब ने लगा रहा था, तो इस जजिया कर को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? औरंगजेब ने कहा जाता है ये जजिया कर लगाया भी औरंगजेब ने, वापस समाप्त भी इसी के द्वारा कर दिया जाता है। और क्या है, इसने क्या काम करवाया भाई यहाँ पर? कहाँ पर प्यारे दोस्तों? उदयपुर की बात करें, उदयपुर में किसका? ये संबंध झील का निर्माण करवाया। किसका? उदयपुर में। कहां पर प्यारे दोस्तों? उदयपुर में किसका निर्माण करवाया? जय संबंध झील का। जय संबंध, संबंध झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भाई? जय संबंध झील, जय संबंध झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया भाई? ये भी किसके द्वारा करवाया गया? और इसे क्या कहते हैं? डेवर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संबंध झील को ही डेवर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवर झील। क्या कहते हैं भाई? इसी को डेवर झील भी कहते हैं।
जैसलमेर झील का निर्माण करवाया, जिसका कहा जाता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है? राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है कौन सी भाई? आपको पता है कि राजसमंद झील कौन सी मानी जाती है? राजसमंद झील। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्या यहाँ पर टेवर झील का निर्माण करवाया जाता है? किसके द्वारा करवाया जाता है? ये उदयपुर में किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। और अपने नाम पर इस झील का नाम क्या रखता है? ये संबंध झील, जिसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं इसके टाइम पे इतना ही काम होता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों इसके बाद अमर सिंह कौन बनता है? अमर सिंह किसकी बात करें? अमर सिंह कौन शासक बनता है? अमर सिंह शासक बनता है। अमर सिंह शासक बनता है प्यारे दोस्तों, ये कहां से बनता है? इसका जो शासन काल माना जाता है 1698 से लेकर 1710 तक। कहां तक रहता है? 1600। ये अमर सिंह महाराणा अमर सिंह कौन भाई? महाराणा अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड था ये। अमर सिंह सेकंड शासक बनता है, पहले तो राणा प्रताप का बेटा था, वो भी अमर सिंह था। और अमर सिंह जो सेकंड माना जाता है, इसका जो शासन काल माना जाता है, इसका शासन काल से माना जाता है 1698 से लेकर, कहां से लेकर? 1698 से लेकर 1710 तक। कहां तक? 1710 तक इसका शासन काल माना जाता है अमर सिंह सेकंड का। इसका भाई अमर सिंह सेकंड का शासन काल माना जाता है। अब क्या कंडीशन होती है इसके शासन काल में? विशेष विशेष बातें देखिए, इसके शासन काल में होता है, एक तो होता है देवारी सभ्यता। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? देवारी सभ्यता। कौन सा? देवारी, देवारी समझौता। और देवारी समझौता क्या है भाई? देवारी समझौता ध्यान से समझिएगा, ये होता है 1708 में। कब होता है ये? 1708 में होता है। क्या होता है ये? देवारी समझौता। ये होता है इसके शासन काल में। ये कब होता है भाई? 1708 में। कब होता है? देवारी समझौता 1708 में होता है। और इसके तहत क्या किया जाता है? ये किस किस के मध्य होता है, किस किस के बीच में होता है देवारी समझौता? ये तीन व्यक्तियों के बीच में होता है। कितने व्यक्तियों के बीच में होता है? तीन व्यक्तियों के बीच में होता है। इसका कौन कौन है भाई? सबसे पहले बात करें किस किस के बारे में बात करें, इधर मेवाड़, किसका? मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो प्यारे दोस्तों मेवाड़ का कौन है? अमर सिंह का। आपका कौन है? अमर सिंह। मेवाड़ का अमर सिंह कौन है भाई? मेवाड़ का अमर सिंह। इधर बात करें तो मारवाड़, किसकी बात करें? जयपुर की, आमेर की। आमेर की बात करें तो आमेर का शासक कौन है? आमेर का शासक था जय सिंह। कौन था? जय सिंह। और यहाँ पर बात करें तीसरे की, तीसरा मारवाड़, किसकी बात करें? मारवाड़। और मारवाड़ का शासक कौन था भाई? अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। कौन था? अजीत सिंह। इनके बीच में, तीनों के बीच में कौन सा समझौता होता है? इन तीनों के बीच में ये समझौता होता है देवारी समझौता। इनके बीच में होता है, तीनों के बीच में ये समझौता होता है। तीनों के बीच में क्या समझौता होता है? समझौता ये होता है कि भाई ये कहता है मेवाड़ के, अर्थात ये दोनों चलकर कहाँ आते हैं? इसके शरण में आ जाते हैं। किसके? अमर सिंह की शरण में आते हैं। क्यों आते हैं? कि भाई इसका भी राज्य किसने छीन लिया था, अर्थात इसका राज्य औरंगजेब दे नहीं रहा था, और इसके बारे में कहा जाता है कि इस पर कहा जाता है कि यहाँ पर औरंगजेब के बाद आजम और मुअज्जम कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसको भी हटाकर किसको? जय सिंह को। आजम और मुअज्जम, तो मुअज्जम किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से जाओ शासक बन जाता है। शासक बन जाने के पश्चात कौन भाई? कौन? बहादुर शाह के नाम से। अब औरंगजेब के बाद शासक बन जाता है बहादुर शाह, और बहादुर शाह इसको यहाँ से क्या? आमेर से खदेड़ देता है। खदेड़ देने के पश्चात ये भी अपदस्त कर दिया जाता है। कहाँ से? राज्य से। अब इस समझौते के तहत क्या होता है? समझौते के तहत भाई यहाँ पर क्या कंडीशन होती है? इस समझौते के तहत इस अमर सिंह की एक पुत्री थी। क्या? एक पुत्री थी। क्या थी? इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था प्यारे दोस्तों? रतन कौरी। क्या नाम था भाई? इसका नाम था भाई चंद्र कौरी। कौन था? इसका नाम चंद्र कौरी। चंद्र कौरी। और चंद्र कौरी, चंद्र कौरी था तो चंद्र कौरी से कहा कि भाई, इससे अमर सिंह ने कहा कि तेरे को मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। अरे कि ये तो सोने पे सुहागा है। अरे सोने पे सुहागा है, कर लेंगे भाई, ब्याह में क्या है? ब्याह में क्या है? एक और सही की, इतने तो है ही सही। और कहा जाता है कि इससे इसने कहा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? विवाह करना पड़ेगा। विवाह ऐसे ही नहीं करना, सशर्त। कैसे करना पड़ेगा? सशर्त विवाह करना पड़ेगा। सशर्त, शर्त विवाह करना पड़ेगा सशर्त। कौन सी शर्त थी? शर्त क्या थी? कि इस चंद्र कौरी किसके गर्भ से? इस चंद्र कौरी का पुत्र किसका? चंद्र कौरी का पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। क्या? सॉरी, आमेर पर, आमेर का उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी बनेगा
है, उत्तराधिकारी बनेगा। तो ऐसी शर्त रख दी, ठीक है कि सशर्त करता है कोई दिक्कत नहीं कि बन जाएगा। और इसके गर्भ से पुत्र होता है, कौन पैदा होता है, माधो सिंह। कौन पैदा होता है इसके गर्भ से, माधो सिंह का जन्म होता है। किसका जन्म होता है भाई, माधो सिंह का जन्म होता है। अब माधो सिंह का जन्म होता है, यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, जिसे सशर्त विवाह कर देता है। और इसके बाद क्या, माधो सिंह इसके, अब ये क्यों किया गया था, इस ये भाई ये देवारी समझौता, राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बात थी भाई, बात वही थी, क्या भी बात तो वही थी, राज्य प्राप्त करने के लिए, क्या राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, राज गद्दी प्राप्त करने के लिए, ये किस लिए हुआ था समझौता, करने के लिए। तीनों ने मिलकर कहा जाता है, इसको पुनः प्राप्त की, इसने भी राजगद्दी पुनः प्राप्त की, इसने भी राजगद्दी पुनः प्राप्त, उसने वो तो राजा बना ही नहीं था, इसने राजगद्दी प्राप्त की। और वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में ये तो इधर उधर भटक रहा था, और इधर जयसिंह को भगा ही दिया था वहां से, और भगा देने के पश्चात इधर विवाह कर लेता है। विवाह करने के पश्चात वाली कंडीशन होती है भाई, पूरा का पूरा फिर नेक्स्ट जो और चर्चाएं करेंगे कहाँ पर, जब जयसिंह पढ़ेंगे तो वहां पर और ज्यादा चर्चाएं करेंगे, किस प्रकार से देवारी समझौता होता है, किसके टाइम पे होता है, ये अमर सिंह काल में होता है। अमर सिंह ही ऐसा राज्य व्यक्ति था भाई जो कहा जाता है इस देवारी समझौता में भाग लेता है, इसी के समय ये सारे काम होते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा भाई। नेक्स्ट बात करें, चलेगा नेक्स्ट। उसके बाद अब जो शासक बनता है प्यार दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, और ये बनता है 10 से लगाकर 34 तक, महाराणा 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 संग्राम सिंह, वो संग्राम सिंह नहीं है, यहां पर अलग है, ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ये 1710 से लगाकर 1734 तक शासक बनता है। कौन बनता है भाई, 1710 से लगाकर 1734 तक शासक बनता है, कहाँ का, मेवाड़ का। 1710 से लगाकर 1734 तक शासक बनता है, कौन बनता है, संग्राम सिंह, ठीक है, संग्राम सिंह शासक बन जाता है। संग्राम सिंह शासक बनने के पश्चात क्या कंडीशन होती है भाई, इसमें देखिएगा क्या करता है, ये दो तीन कार्य करवाता है, वो भी ध्यान रखना है। तो इसी के समय हम देख लेते हैं भाई, इस तरीके से देख लेते हैं डायग्राम की तरीके से, या क्या क्या कार्य करवाता है, तीन चार कार्य करवाता है, यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। पहला कार्य की बात करें तो ये क्या करवाता है भाई, ये करवाता है, चलिएगा यहाँ पर जिक्र करते हैं। एक तो ये करवाता है सहेलियों के बावड़ी का निर्माण, सहेलियों सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाता है, कहाँ पर, उदयपुर की बाड़ी का निर्माण कहाँ करवाता है भाई, उदयपुर, कहाँ पर, उदयपुर। सहेली की बाड़ियों का निर्माण या सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कहाँ पर करवाता है, ये उदयपुर में करवाता है, याद रखना, याद रखना। और वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है सीसाराम उदयपुर में, कहाँ करवाता है, वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, ये वेद का निर्माण करवाता है भाई, वेदनाथ मंदिर, वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है भाई, सीसाराम सीसा राम उदयपुर में, कहाँ पर पड़ता है, सीसाराम उदयपुर में, कहाँ पर पड़ता है, ये सीसाराम उदयपुर में। यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे वेदनाथ प्रशस्ति कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, वेदनाथ प्रशस्ति कहा जाता है। कौन सी प्रशस्ति लगी है, वेदनाथ प्रशस्ति, वेदनाथ वेदनाथ प्रशस्ति, क्या कहा जाता है, वेदनाथ प्रशस्ति, ठीक है, वेदनाथ प्रशस्ति लगी हुई है। वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ पर, इस वेदनाथ मंदिर में वेदनाथ प्रशस्ति लगी हुई है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना रूप भट्ट ने की थी, और किसके, इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना की बात करें, इसकी रचना रचना किसने की थी, इसकी रचना रूप भट्ट ने की थी, रूप भट्ट के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, रूप भट्ट के द्वारा। इसकी भाषा की बात करें, कौन सी भाषा में की थी भाई, इसकी भाषा जो है ये संस्कृत है, कौन सी है, संस्कृत, कौन सी भाषा में, ये संस्कृत में, कौन सी भाषा में है भाई, संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में बनी हुई है, ये ध्यान रखना,
क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो सहेली की बाड़ी का निर्माण करवाया और एक वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और वेदनाथ मंदिर कहाँ पर है, सीसाराम उदयपुर में है, का निर्माण करवाया, ठीक है, और ये वेदनाथ प्रशस्ति, ठीक है, निर्माण करवाया, क्या करवाया भाई, ये ध्यान रख लेना, क्या करवाया, निर्माण, निर्माण करवाया, विशेष रूप से ध्यान रखना है, निर्माण वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया किसके द्वारा, ये अमर सिंह के द्वारा, संग्राम सिंह के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया भाई, संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। और बात करें कि मराठाओं ने मेवाड़ वसूला, मेवाड़ से क्या चोट कर वसूल किया था, क्या इसी के समय पर, किसने प्यारे दोस्तों, मराठाओं ने, किसकी बात कर रहे हैं, इसी के टाइम पर मेवाड़ से की बात कर रहे हैं, के टाइम पर मेवाड़ से क्या किया था मराठाओं ने, सर चोट या चोट कर वसूल किया था इसी के समय, मराठाओं ने मराठाओं ने क्या किया था, चोट कर वसूल किया था, वसूल वसूल किया था, कौन सा कर वसूल किया था भाई, चोट कर वसूल किया था, अर्थात चोट कर एक कर का, यानी कि अपने जो उत्पादन है जिसका चौथा भाग देना, क्या चोट कर का मतलब क्या है, चौथा एक चौथा हिस्सा किसका देना, मराठाओं को देना, ये चोट कर वसूल करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, मराठाओं के द्वारा, किससे वसूल किया था, संग्राम सिंह से, कहा जाता है कि ये राजस्थान में सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है, ये राजस्थान में सर्वप्रथम किया गया था, राजस्थान में सर्वप्रथम चोट कर वसूल किया गया था, राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वप्रथम यह कर कर वसूल वसूल किया गया, कहां से, मेवाड़ से, राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से वसूल किया गया था, ये मेवाड़ से वसूल किया गया था, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा कर वसूल किया गया, चौथ कर वसूल किया गया था, अपनी आय का चौथा भाग किसको, मराठाओं को देना पड़ा था इस समय, कहा जाता है दोस्तों चोट कर वसूल किया गया। और बात करें तो मेरे दोस्तों पूर्णा सम्मेलन का आयोजन की योजना बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई थी, पूर्णा सम्मेलन की योजना ये संग्राम सिंह के द्वारा ही बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, ये संग्राम सिंह की योजना द्वारा बनाई गई थी, यहाँ पर ध्यान रख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पूर्णा पूर्णा सम्मेलन की योजना बनाई गई, ठीक है, हुड़ा सम्मेलन की योजना, कहा जाता है कि ये योजना बनाई गई, अर्थात ये योजना तो किसके, जयसिंह, यानी कि जो जयपुर का आमेर का नरेश था जयसिंह, उसके दिमाग की उपज थी, लेकिन कहा जाता है कि उसके द्वारा इसको क्या अध्यक्ष घोषित किया गया था, क्या घोषित किया गया था, इसका हुड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा भाई, संग्राम सिंह को बनाया जाएगा, लेकिन संग्राम सिंह जी की पहले ही मृत्यु हो जाती है, क्या पहले ही मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के पश्चात फिर इनका पुत्र जगत सिंह उसका अध्यक्षता करता है, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है भाई, ये क्यों बनाया गया था, वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाले अभी करते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ये मुख्य मुख्य तीन चार बातें रही है इससे संबंधित, और बात करें प्यारे दोस्तों तो इसके बाद जो बनता है शासक कौन बना है, संग्राम सिंह कौन बनेगा, संग्राम सिंह के बाद कौन बनेगा, जगत सिंह द्वितीय, और 1734 से लगाकर 1751 तक कौन, जगत सिंह, चलिए नेक्स्ट बात करें भाई, जगत सिंह, जगत सिंह महाराणा, जगत सिंह महाराणा लगा, हाँ राणा, महाराणा जगत सिंह, ठीक है, महाराणा जगत सिंह, और महाराणा जगत सिंह कहा जाता है कि यहाँ पर बात करें तो इनका जो शासन काल माना जाता है 1734, और 1734 में अर्थात ही शासक बन जाते हैं, 1734 में शासक बनने के पश्चात कहाँ तक रहते हैं, ये उधर 1751 तक, कहाँ तक रहते हैं भी, 1751 तक इनका शासन काल माना जाता है, कहाँ तक माना जाता है, 1734 से लगाकर 1751 तक इनका
शासनकाल माना जाता है, कौन सी महाराणा का, महाराणा जगत सिंह का। और इन्हीं के समय क्या होता है प्यारे दोस्तों, इन्हीं के समय कौन सा सम्मेलन होता है, हुरड़ा सम्मेलन। सबसे प्रमुख इनके जीवन काल की सबसे प्रमुख घटना मानी जाए तो कहा जाता है कि हुरड़ा सम्मेलन आयोजित होता है। चलिएगा बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हुरड़ा सम्मेलन की। चलिएगा यहाँ पर हुरड़ा सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन, हुरड़ा सम्मेलन होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है कहाँ पर, हुरड़ा राजस्थान पर। और ये कहा जाता है कि कहाँ पर पड़ता है, चलिएगा हुरड़ा सम्मेलन होता है कहाँ पर होता है भाई, ये भीलवाड़ा में। कहाँ पर, भीलवाड़ा। कहाँ पर होता है भाई, भीलवाड़ा में। ये होता है 17 जुलाई, कब होता है भाई, 17 जुलाई कब होता है, 17 जुलाई, 17 जुलाई 1734 को, कब होता है, 17 जुलाई 1734 को ये हुरड़ा सम्मेलन होता है। 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन होता है। इसके अध्यक्षता किसने की थी, इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया, अध्यक्ष जो बनाया गया ये बनाया गया आपके जगत सिंह, तो बनाया गया जगत सिंह को, तो बनाया गया जगत सिंह को हुरड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया, इसको जगत सिंह को बनाया गया। ये किसकी योजना थी, ये किसकी पहल थी, ये सवाई जयसिंह की पहल मानी जाती है। ये किसकी योजना थी, ये योजना किसकी थी भाई, ये सवाई जयसिंह की पहल मानी जाती, किसकी मानी जाती है यह पहल, यह योजना या इसकी योजना, इसकी इसकी योजना सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह के दिमाग की उपज थी, के दिमाग की उपज थी, उपज थी, किसकी उपज थी भाई, सवाई जय सिंह के दिमाग की उपज थी। इसकी योजना कि हम मराठाओं के खिलाफ, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, इसका उद्देश्य, उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मराठाओं के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना। क्या, मराठाओं के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना, क्या था भाई, मराठाओं के खिलाफ एकजुट होना। क्या, अर्थात समस्त राजपूत शासक क्या मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकना। देखिए क्या लिखे, मराठाओं, मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, अर्थात उनके ऊपर आक्रमण का, सारे राजा मिलकर क्या करेंगे कि हम एकजुट हो जाएं और सारे राजा मिलकर क्या करेंगे, मराठाओं के ऊपर आक्रमण करेंगे, ऐसी योजना बनाई जाती है। और ऐसी योजना बनाने के साथ साथ प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष बनाया जाता है जगत सिंह को बनाया जाता, जगत सिंह सेकंड था ना, जगत सिंह सेकंड, ये ध्यान रख लेना, कौन से, जगत सिंह सेकंड। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनेगा, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। और अध्यक्ष ये कहाँ से थे, मेवाड़ से, ये आप पता है ही सही, कहाँ से थे ये, मेवाड़, कहाँ के थे भाई, मेवाड़ से थे। अब आपको पता है कि इसके हस्तक्षेप, मराठाओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया, हुरड़ा सम्मेलन कहा गया। इसमें अन्य भाग लेने वाले कौन कौन राजा थे, कई सारे राजाओं ने भाग लिया इसमें, भाग लेने वाले राजा, यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, भाग लेने वाले राजा, भाग लेने वाले राजा। और अन्य राजा कौन थे भाई, एक तो आपका जगत सिंह ही हो जाएगा, मेवाड़ का तो जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा, और सवाई जय सिंह आमेर से हो जाएगा। इसके अलावा किस किस शासक ने या किस किस राजा ने इसमें भाग लिया भाई, वो देखेंगे, कौन कौन से राजा हैं जो इसमें भाग लेने के लिए आए थे। अब बात करें प्यारे दोस्तों, तो जोधपुर का अभय सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कौन, जोधपुर, कौन, जोधपुर, और जोधपुर का कौन, अभय सिंह, कौन था, अभय सिंह, कौन आया। और बीकानेर किसकी बात करें भाई, बीकानेर, 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 बीकानेर का कौन आया था, जोरावर सिंह, कौन आया, जोरावर सिंह, कौन आया था बीकानेर से, जोरावर सिंह, अर्थात यहाँ का राजा था, कहाँ का, बीकानेर का शासक था जोरावर सिंह, इसने भी इसमें भाग
लिया था, कौन से युद्ध में भाग लिया था भाई? उड़ा सम्मेलन में भाग लिया था भाई, उड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था? जोरावर सिंह ने भाग लिया था बीकानेर के। और बात करें तो कहा जाता है किशनगढ़, किशनगढ़ से राज सिंह आया, नागौर से भगत सिंह आया, किशनगढ़ से राज सिंह, किशनगढ़ से किशनगढ़ किशन गढ़, और किशनगढ़ से कौन आया भाई? राज सिंह। कौन आया? राज सिंह आया, ठीक है। नागौर से भगत सिंह आया, कौन आया? नागौर से, नागौर, नागौर से कौन आया? भगत सिंह। कौन आया? भगत सिंह। नागौर से कौन आया भाई? भगत सिंह, अर्थात नागौर का भाग लेने वाला जो शासक था भगत सिंह, बूंदी का दलेल सिंह, कोटा का दुर्जनसाल। तो यहां पर लिख देता हूं, बूंदी का कहां का? बूंदी का दलेल सिंह, दलेल सिंह, बूंदी का कौन भाई? दलेल सिंह। कोटा का दुर्जनसाल, कोटा, और कोटा से कौन था? दुर्जनसाल। कौन था? दुर्जन साल। कौन आया भाई? दुर्जन साल कहां से आया? कोटा से भाग लेने के लिए। कौन से आक्रमण, कौन से सम्मेलन में भाग लिया? हुरड़ा सम्मेलन में। करौली का गोपाल, ये भी ध्यान रख लेना, करौली का कौन आया था? एक गोपाल, कहां से? करौली, और करौली से कौन आया था? गोपाल, गोपाल पाल, ठीक है। गोपाल कहां से आया था? करौली से आया था। तो इन लोगों ने किसमें भाग लिया था? हुरड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन प्यारे दोस्तों कहा जाता है इनमें योजना बनाई गई, सारे ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के पश्चात इनको कहा कि बरसात के बाद, तो बरसात का टाइम था भाई, जुलाई में आपको पता है कि बरसात होती है 17 जुलाई को। फिर दोस्तों बरसात का टाइम होता है 17 जुलाई, 17 जुलाई को कहा जाता है कि 1734 में बरसात के बाद हम कोटा के रामपुरा नामक स्थान पर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर क्या करेंगे? मराठाओं के खिलाफ आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे भाई? मराठाओं के खिलाफ आक्रमण करेंगे। कोटा के कहां पर? रामपुरा नामक स्थान पर। कौन सी स्थान पर एकत्रित होंगे? कोटा के रामपुरा नामक स्थान पर क्या करेंगे? एकत्रित होंगे। कहां पर? इनमें जो योजना बनाई गई थी इसमें कहा गया था भाई, इसमें क्या, इसमें बातचीत हुई थी, क्या बात हुई थी इसमें? कोटा के रामपुरा, वर्षा, वर्षा के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद सभी सभी शासक कोटा के रामपुरा में, रामपुरा में एकत्रित होंगे। क्या होंगे? एकत्रित होंगे, एकत्रित होकर मराठाओं के खिलाफ, मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। ये योजना बनाई गई थी, कोटा के रामपुरा नामक स्थान पर इकट्ठा होंगे। और ये योजना भाई, ये क्या होता है? ये सम्मेलन असफल होता है। क्या होता है? ये सम्मेलन असफल होता है। क्या होता है? असफल होता है। आक्रमण भी किया गया, लेकिन कहा जाता है कि राजा महाराजा लड़ने के लिए आए नहीं, तो इस कारण ये सम्मेलन असफल माना जाता है दोस्तों। कौन सा? हुरड़ा सम्मेलन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में जो शासक बनता है अरिशी, कौन बनता है भाई? अरिशी। उसके बाद में शासक कौन बनता है? अरिशी। कौन बनेगा? अरि सिंह। इसके बाद में कौन शासक बनेगा भाई? अरि सिंह शासक बनता है। इसके अरि सिंह या महाराणा अरि सिंह कहा जाता है। और ये 1751 से लेकर 61 तक बनता है। कहाँ तक बनता है? इसका जो शासनकाल 1761 से लेकर 1751 से लेकर 61, 1751 से लेकर 1761 तक ये शासक, ये शासक बनता है। इसके शासन काल में कोई विशेष बातें तो है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये शासक बन जाता है। इसके बाद बात करें, इसके बाद में तो ये शासक बनता है, इसके बाद में जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, इसके बाद में दूसरे शासक की बात करें, इसके बाद में राज सिंह, और राज सिंह सेकंड शासक बनता है 1761 से लेकर 1773 तक। कौन बनता है भाई? राज सिंह सेकंड। कौन बनता है? राज सिंह। कौन बनता है इसके बाद? राज सिंह सेकंड। कौन बनता है? राज सिंह सेकंड बनता है। राज सिंह सेकंड कहाँ से कहाँ तक बनता है? 1700 कहाँ से? 61 से लेकर, कहाँ से? 1761 से लेकर 1773 तक ये शासक बनता है। 1761 से लेकर 1773 तक कौन शासक बन जाता है? राज सिंह शासक बनता है। कहाँ का? मेवाड़ का। मेवाड़ का शासक कौन बन जाता है?
राज सिंह शासक बन जाता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, इसके बाद हवीर सिंह, इसके बाद कौन शासक बनता है, हवीर सिंह सेकंड 1773 से 78 तक कौन बनता है, इसके बाद जो शासक बनता है, चलो ऊपर नीचे कर देते हैं और ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरीके से पहले कौन बनेगा, बाद में कौन बनेगा, ये इस तरीके से लेना आप। यहाँ पर बात करें प्यारे दोस्तों, क्या चलेगा, इसके बाद कौन बना, ये राज सिंह। पहले ये, इसके बाद क्या, अब कौन बनेगा भाई, राज सिंह सेकंड शासक बना। और राज सिंह सेकंड के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, हमीर सिंह सेकंड बनता है 1773 से लगाकर 1778 तक, कौन बनता है, हमीर सिंह सेकंड, कौन बनता है, हमीर सिंह सेकंड, हमीर, हमीर सिंह सेकंड, हमीर सिंह सेकंड ये बनता है 1773 से लगाकर 1778 तक, कौन बनता है, हमीर सिंह सेकंड बनता है। इसके बाद शासक कौन बनता है भाई, हमीर सिंह सेकंड बनता है। और हमीर सिंह इसके बाद हमीर सिंह सेकंड शासक बनता है। इसके शासन काल में देखिएगा क्या होता है, इसके शासन काल में एक दो चीजें ध्यान रख लेना आप, क्या रखोगे, एक दो चीजें क्या ध्यान रखनी पड़े दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसके शासन काल इसका संरक्षक अमरचंद बड़वा को बनाया गया, किसको बनाया गया, इसका संरक्षक किसको बनाया गया था, संरक्षक, क्या बनाया गया, संरक्षक, किसको बनाया गया, संरक्षक इसका अमरचंद बड़वा को बनाया गया, किसको बनाया गया, अमरचंद, अमरचंद, अमरचंद बड़वा, अमरचंद, अमरचंद बड़वा। और इस अमरचंद बड़वा ने कहा जाता है कहां पर, बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था भाई, बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था कहां पर, भीलवाड़ा, सॉरी बागोर की हवेली उदयपुर, कहां पर भाई, बागोर की हवेली का निर्माण कहां पर करवाया था, इस अमरचंद बड़वा ने बागोर की, किसका, बागोर, बागोर की हवेली, किसका, बागोर की हवेली का निर्माण करवाया, कहां पर करवाया भाई, उदयपुर, उदयपुर में का निर्माण करवाया, बागोर की हवेली का निर्माण करवाया, क्या करवाया, निर्माण करवाया, किसने करवाया, निर्माण करवाया, करवाया किसने करवाया भाई, ये अमरचंद बड़वा इसका संरक्षक था। और इसके द्वारा कहां पर, उदयपुर में बागोर की हवेली का निर्माण करवाया गया था, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, बागोर की हवेली कहाँ है, उदयपुर में इसका निर्माण करवाया जाता है, याद रखिएगा। अब इसके पश्चात बात करें तो कौन शासक बनता है भाई, इसके बाद जो शासक बनेगा भाई, भीम सिंह, कौन बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट शासक बनेगा वो भीम सिंह, कौन बनेगा, यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो शासक बनेगा वो भीम सिंह, कौन बनेगा, भीम सिंह, कहाँ का, भीम सिंह शासक बनता है। और भीम सिंह कहा जाता है कि उदयपुर का शासक या मेवाड़ का शासक भीम सिंह बनता है 1778 से लगाकर 1828 तक, कब तक बनता है भाई, 1778 से लगाकर 1778 से लगाकर 78 से लगाकर 1828 तक, कहां तक रहता है ये, 1828 तक शासक रहता है, कहां तक रहता है भाई, 1828 तक ये शासक बनता है भीम सिंह, कौन बनता है, मेवाड़ का शासक। नेक्स्ट जो शासक बनता है भीम सिंह बनता है 1778 से लगाकर 1828 तक। इसकी बात करें तो कहा जाता है कि इसी के शासनकाल में क्या क्या, एक तो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, वो ध्यान रखना है आपको, भीम सिंह के शासनकाल में क्या है कृष्णा कुमारी विवाद, उसको समझते हैं, क्या है भाई कृष्णा कुमारी विवाद, क्या है ये, इसी के शासनकाल में हुआ है कृष्णा कुमारी विवाद है, सुनिएगा, चलिए समझिएगा क्या है कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद ये बहुत चर्चित का विषय है। और इसमें क्या होता है देखिए समझिएगा पूरा का पूरा, कृष्णा कुमारी विवाद क्या है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कृष्णा कुमारी कहा जाता है कि ये किसकी पुत्री हुआ करती थी, भीम सिंह की, किसकी पुत्री हुआ करती थी, भीम सिंह की। और भीम सिंह की जब पुत्री थी तो कहा जाता है इसका, चलिए थोड़ा सा कुमारी विवाद को पूरे को समझना। अब क्या कंडीशन, इधर मेवाड़ की इसकी बात करें, मेवाड़ इसकी बात करें, मेवाड़, मेवाड़ का शासक कौन भाई, भीम सिंह, कौन भाई, भीम सिंह, मेवाड़ का शासक कौन, इधर भीम सिंह, मेवाड़ का शासक कौन, भीम सिंह, कौन भैया, मेवाड़ का शासक भीम सिंह। और इनकी पुत्री कौन, इनकी क्या थी, एक
पुत्री थी, क्या थी भाई, पुत्री, क्या की पुत्री, और इस पुत्री का नाम क्या था, कृष्णा कुमारी, पुत्री थी, इसका नाम क्या था, कृष्णा कुमारी, क्या था, हाँ कुमारी, ठीक है, कृष्णा कुमारी इसकी पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री किसकी, भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी थी। अब इस कृष्णा कुमारी का सगाई का नारियल कहाँ पर, देखिए क्या कंडीशन पे मैं राजा लिख देता हूँ, अब इसकी बात करें यहां पर, किसकी बात करें, मारवाड़, किसकी बात करें भाई, मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का यहाँ पर शासक कौन था, यहाँ पर मानसिंह कौन था भाई, प्रारंभिक समय में मानसिंह था, मानसिंह यहाँ का शासक, की बात कर रहे हैं हम मारवाड़ का, मारवाड़ का शासक भी एक भीम सिंह का, किसके बात करें, मारवाड़ का शासक, और यहाँ का शासक भी कौन था भाई, यहाँ का शासक, ठीक है, यहाँ का भी शासक कौन, शासक भीम सिंह, यहाँ ये अलग भीम सिंह है, ये भीम सिंह ही था, ये भी भीम सिंह ही था, कहाँ का शासक ये, ये मारवाड़ का, इसको दूर दूर कर देते हैं, या भीम सिंह ये मारवाड़ का शासक, और ये भी कहाँ, ये मेवाड़ का शासक, कहाँ का शासक है ये शासक कहाँ का, ये अलग अलग व्यक्ति है भाई, ये दोनों का नाम एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग व्यक्ति है, क्या है, अलग अलग व्यक्ति विशेष है, लेकिन नाम आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस भीम सिंह की बात करें, ये वाला भीम सिंह कहाँ का, मारवाड़ वाला, ठीक है, इसके एक भाई था, इसके क्या था, इसका भाई था, छोटा भाई कौन था, इसका भाई था, इसका भाई कौन था, मानसिंह, कौन था, मानसिंह, कौन भाई, मानसिंह इसका भाई था, किसका भाई था, इस भीम सिंह का भाई कौन था, मानसिंह, अब मानसिंह इसका भाई था, अब कंडीशन क्या होती है यहाँ पर समझिएगा पहले दोस्तों, इधर एक और बात कर लेते हैं, बट आमेर कहाँ की बात करें, आमेर की बात करें, आमेर, आमेर का शासक कौन था भाई, आमेर का शासक इस समय आमेर का शासक था भाई कौन था, यहाँ पर आमेर, और आमेर में कहा जाता है कि आमेर में कौन शासक हुआ करता था, यहाँ पर जगत सिंह, कौन था, आमेर का शासक या जयपुर का शासक कौन था, जगत सिंह सेकंड, कौन था भाई, जगत सिंह सेकंड, आमेर या जयपुर का शासक कौन था, जगत सिंह, और जगत सिंह कौन सा, सेकंड वाला, जगत सिंह सेकंड का या जयपुर का, किसका, जयपुर का, जयपुर का शासक कौन था, आमेर या जयपुर का शासक, जगत सिंह सेकंड था। अब समझिएगा पूरी की पूरी चीज, क्या घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम ये होता है प्यारे दोस्तों, समझिएगा एक एक चीज को पूरी की पूरी समझिएगा, एक एक चीज आपके जहन में उतर जाएगी। ये कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई की जाती है, ये बड़ी हो जाती है, सगाई की जाती है, तो इसकी सगाई किसके साथ कर दी जाती है, सगाई का नारियल भीम सिंह के साथ पास भेजा जाता है, किसके साथ, इसकी सगाई की जाती है, सगाई की जाती है भीम सिंह के पास, किसका, सगाई, ठीक है, सगाई किससे कर दी जाती है, भीम सिंह के साथ कर दी जाती है, मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ इसकी सगाई कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है भाई, मारवाड़ के शासक भीम सिंह से इस कृष्णा कुमारी का विवाह फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि सगाई कर दी जाती है, ये समझ में आ गया। अब कंडीशन क्या होती है, लेकिन इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्या, विवाह से पहले ये मर जाता है, क्या हो जाता है, ये विवाह से पहले मर जाता है, विवाह से पहले मर जाता है, मर जाने के पश्चात, अब आपको पता है कि कृष्णा कुमारी को कुमारी तो रखेंगे ही नहीं, कुमारी नहीं रखेंगे, तो इसका सगाई का नारियल, किसका प्यारे दोस्तों, इस कृष्णा कुमारी का सगाई का नारियल दूसरी बार कहाँ भेजा जाता है, यानी कि जिससे फिक्स किया था वो तो मर ही गया, मर ही गया तो दोबारा दोबारा सगाई करेंगे ना, तो दोबारा कहाँ भेज दिया जाता है, इसका सगाई का नारियल कहाँ भेजा जाता है, ये के पास, जगत सिंह के पास भेजता भेजा जाता है, ये पहली बार तो इसके साथ भेजा जाता, और सेकंड बार किसके पास भेजा जाता भाई, सेकंड बार जगत सिंह के पास भेजा जाता, किसके पास, ये दूसरी बार सगाई, दूसरी दूसरी बार सगाई, ठीक है, सगाई का नारियल कहाँ भेज दिया जाता है, दूसरी बार सगाई किसके साथ फिक्स कर दी जाती है, इधर जगत सिंह के पास फिक्स की जाती, भाई अब सगाई किससे कर दी जाएगी, ये तो मर ही गया, स्वाभाविक सी बात है, अब स्वाभाविक सी बात है, तो कहा जाता है कि इधर ये मानसिंह कौन राजा बन जाता है, इधर मानसिंह राजा बन जाता है, और ये इसका अपमान समझता है कि हमारे मारवाड़ से आई हुई सगाई का नारियल मेवा जयपुर में कैसे चला गया, कि मैं जिंदा नहीं था क्या, मेरे से भी तो विवाह कर सकते थे, किससे विवाह कर सकते थे, अर्थात मेरे से भी, मानसिंह क्या समझ बैठता है, ये समझ बैठता है कि मेरे से विवाह कर देते, मेरा भाई मर गया तो कहा जाता है कि मैं भी तो जिंदा था, मेरे से विवाह कर देते, लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों, अब क्या कंडीशन, कंडीशन ये कि कंडीशन क्या प्यारे दोस्तों, कंडीशन ये होती है अब इनके बीच में, कि इनके बीच में तनाव बनी हो जाती है, ये इसके पास पत्र लिखता है, किसके पास, कि ये सगाई का नारियल वापस करो, कि आप, इसके पास पत्र लिखता है कौन,
मानसिंह किसके पास पत्र लिखता है, किसके पास, जगत सिंह के पास, और जगत सिंह के पास पत्र लिख कर कहता है कि सगाई का नारियल वापस करके दू, इससे सगाई तो मैं करूंगा कि इससे मैं ब्याह में करूंगा, ये नहीं कि भाई कैसे कर दू, ये मेरी इज्जत का सवाल है, इधर भी इज्जत का सवाल है, और दोनों का इज्जत का सवाल हो जाता है, इज्जत का सवाल हो जाता है, तो प्यारे दोस्तों इज्जत किसमें जाके, इन्हीं के बीच में, किस किस के बीच में एक युद्ध होता है प्यारे दोस्तों, इस कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर प्यारे दोस्तों क्या होता है, युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, युद्ध हो जाता है कौन सा प्यारे दोस्तों, गिंगोली का युद्ध, कौन सा होता है, कौन सा एक युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध, कौन सा, गिंगोली, गिंगोली, गिंगोली का युद्ध, गिंगाले का युद्ध होता है, क्या होता है भाई, गिंगोली का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर क्या होता है 1707 में, कब होता है भाई 1707 में, अब 1707 में गिंगोली का युद्ध होता है, इस गिंगोली के युद्ध को किस किस के बीच होता है, ये जो गिंगोली का युद्ध है प्यारे दोस्तों ये मारवाड़ के, किसके, मारवाड़, और मारवाड़ का कौन है अपना, मानसिंह, कौन, मानसिंह, मारवाड़ का मानसिंह, और वर्सेज कौन, जयपुर का जगत सिंह, कहाँ का, जयपुर का, कहाँ का प्यारे दोस्तों, जयपुर का जगत सिंह, जगत सिंह, ठीक है, जयपुर का जगत सिंह द्वितीय, इनके बीच में क्या होता है, ये युद्ध होता है। अब कहा जाता है इस जगत सिंह का साथ देने के लिए कौन कौन आता है, बीकानेर से सूरत सिंह आता है, भीम सिंह आता है मेवाड़ से, और अमीर खां पंडारी आता है टोंक से, तो इसका साथ देने बहुत सारे लोग आते हैं जगत सिंह का, किसका, जगत सिंह का, एक तो मेवाड़ के भीम सिंह, कौन कौन साथ देता है, भीम सिंह, भीम सिंह कौन, भीम सिंह, भीम सिंह इसका साथ देता है, किसका, मेवाड़ से, ये कहाँ से था, मेवाड़ से। उसके बाद बात करें तो कहा जाता है कि अमीर खां पिंडारी कौन आता है, अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी कौन आता है, अमीर खां पिंडारी, ये कहाँ से आता है, टोंक से, ये कहाँ से आता भाई, इसका साथ देने के लिए, जगत सिंह का साथ देने के लिए, अमीर खां पिंडारी कहाँ से आता है, ये टोंक से आता। और बात करें तो बीकानेर से सूरत सिंह आता, कौन आता भाई, बीकानेर से सूरत सिंह, कौन, सूरत सिंह, और ये सूरत सिंह कहाँ से आया भाई, बीकानेर से, कहाँ से आया, बीकानेर, ये सारे मिलकर किसका साथ देते, जगत सिंह का साथ देते, किसका साथ देते भाई, जगत सिंह का साथ देते। और कहा जाता है इसमें किसकी विजय हो जाती, जगत सिंह की विजय हो जाती, और ये भाग जाता, इसमें विजय भी किसकी होती, इस युद्ध में विजय किसकी होती, यहाँ पर विजय, विजय की बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर जो विजय है वो किसकी हो जाती भाई, जगत सिंह की विजय हो जाती। युद्ध में कौन विजय होता, इस युद्ध में विजय कौन होता भाई, इस युद्ध में विजय जगत सिंह हो जाता, इसमें जगत सिंह सेकंड विजय हो जाता, कौन, जगत सिंह, जगत सिंह। लेकिन अब क्या कंडीशन, अब कंडीशन ये है कि ये युद्ध से भाग जाता, ये युद्ध से मानसिंह भाग जाता, बचकर भाग जाता, लेकिन विजय तो किसकी हो जाती, गिंगोले का युद्ध कब हुआ, 1707 में, किसके कारण हुआ भाई, 1807 कब हुआ भाई, 1807 1807 कहाँ हुआ भाई, ये गिंगोली का युद्ध होता है। और गिंगोली का युद्ध कहाँ पर, किस किस के बीच में होता है, जयपुर और मारवाड़ की सेना के बीच में होता है, जयपुर मारवाड़ का कौन, मानसिंह, और किसको लेकर होता है प्यारे दोस्तों, जगत सिंह के बीच में होता है, जगत सिंह सेकंड था ये, और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में भीम सिंह यानी कि मेवाड़ का भीम सिंह, अमर खां, अमीर खां पिंडारी और सूरत सिंह किसका साथ देते हैं, बीकानेर वाला, ये जगत सिंह का साथ देते हैं, और इसका साथ देते हुए इसकी विजय भी हो जाती है जगत सिंह की। और विजय हो जाने के पश्चात कहा जाता है कि बाद में ये दबाव बनाता है, इसके ऊपर दबाव बनाता है भाई, ये दबाव बनाता है किसके ऊपर, इसके ऊपर वापस जगत सिंह के ऊपर दबाव बढ़ाने लग जाता है, और उधर भीम सिंह के ऊपर दबाव बढ़ाता है कि तू तेरी बेटी का विवाह उसके साथ तो कर ही नहीं सकता, और कर ही नहीं सकता, तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों अंत में इस अमीर खां पिंडारी के कहने पर, कौन, इसको, किसको प्यारे दोस्तों, कृष्णा कुमारी को, कृष्णा कुमारी को, इसको कृष्णा कुमारी को भीम सिंह क्या करते हैं, कृष्णा कुमारी को भीम सिंह अमीर खां पिंडारी के कहने पर भी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी प्यारे दोस्त। बाद में युद्ध जीत तो हो जाता है, लेकिन बाद में भी ये दबाव बनाता है, और ये भीम सिंह जी तो वैसे ही थे मेवाड़ वाले, जिनको डर लगता है कि आक्रमण नहीं करते, आक्रमण के लिए अपने पास व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है, इतनी सेना भी नहीं है, तो इसके डर में आके, किसके प्रभाव में आकर भीम सिंह कृष्णा कुमारी को, भीम सिंह अमीर खां पिंडारी के कहने पर, अमीर खां
के कहने पर जहर दे देता है, जहर लेकर हत्या कर देता है। किसको, किसकी हत्या करती भाई? कृष्णा कुमार की हत्या कर देता है। किसके द्वारा? कृष्णा कुमारी को भीम सिंह, उसका बाप ही अपनी बेटी को जहर दे देता है। अपना बाप यानी कि कृष्णा कुमारी का बाप ही तो कृष्णा कुमारी को जहर दे देता है। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, और कहा जाता है ये कृष्णा कुमारी विवाद समाप्त हो, क्या हो जाता है? कृष्णा कुमारी विवाद पूर्णतया समाप्त हो जाता है इसको जहर देने के पश्चात। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। तो बात करें यहाँ पर 1818 में, कब यार दोस्तों, 1818 की बात करें, और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी। कब? इसी के शासनकाल में। कब? 1818 में। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ संधि की गई थी। क्या की गई थी? संधि की गई थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी। किसके समय भाई? इसी के समय। और इसी के समय किसके समय प्यारे दोस्तों? यहाँ जो भीम सिंह है, भीम सिंह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी। और इसी समय पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड आया था। और क्या? पॉलिटिकल एजेंट कौन भाई? पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड, कर्नल कर्नल जेम्स जेम्स टोड, ये मेवाड़ आया था। इस समय कहाँ आया था? मेवाड़ आया। कहाँ आया भाई? मेवाड़ आया 1818 में, ठीक है। कहां पर ये पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त तो होकर कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ में आया था। क्या? पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त तो होकर, इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट, क्या? पॉलिटिकल एजेंट, एजेंट बनकर, पॉलिटिकल एजेंट बनकर कौन, यहां पर कौन आया था? ये कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ आया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। कब आया था भाई? 1818। कब आया था भाई? 1818 में। याद रखिए कर्नल जेम्स टोड कब आया था? 1818 में यहाँ पर आया था, 1818 में, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड आया था पॉलिटिकल एजेंट बनकर, कहाँ पर? राजस्थान में आया था। राजस्थान में सर्वप्रथम कहा जाता है कि ये मेवाड़ रियासत में आया था। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि अब क्या करें नेक्स्ट, इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनेगा भाई? 28 तक तो इसका शासनकाल रहता है, और 28 के बाद, 1828 के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, महाराणा जवान सिंह बनता है। कौन बनता है? महाराणा जवान सिंह। तो बात करें महाराणा, महाराणा महाराणा जवान सिंह कौन बनेगा? जवान सिंह शासक बनता है महाराणा जवान सिंह। तो महाराणा जो जवान सिंह शासक बनता है 1828 से लेकर प्यारे दोस्तों कहां तक? 1838 तक। कब तक? 1828। कब से? 1828 से 1838 तक। कब तक शासक रहता है भाई महाराणा जवान सिंह जो शासक बनता है? ये 1838 से, 1828 से लेकर 1838 तक शासक रहता है। लेकिन कहा जाता है कि इसी समय कौन, इसके समय, इसके समय नेपाल का शासक, इसके समय, इस के समय में ही, के समय में ही नेपाल का शासक, क्या प्यारे दोस्तों? नेपाल का शासक विक्रमा कौन आया था? विक्रम शाह कौन आया था? विक्रम शाह आया था, विक्रम शाह मेवाड़ आया था, मेवाड़ आया था, कौन आया था? मेवाड़ आया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, कौन आया था इसके समय कहाँ का? नेपाल का शासक विक्रम शाह जो मेवाड़ आया था, ठीक है, ये याद रह जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसके बाद में बढ़ता है महाराणा सरदार सिंह, 38 से लगाकर 42 तक। महाराणा सरदार सिंह कौन बनेगा? महाराणा सरदार, सरदार सिंह अब से लेकर 1838 से लगाकर 1842 तक, 1838 से लगाकर 1842 तक जो शासक बनता है कौन बनता है आपका? महाराणा सरदार सिंह शासक बनता है प्यारे दोस्तों, ठीक है।
इसके शासनकाल में क्या होता है, एक तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है भाई, मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, मेवाड़ भील कोर की। इसके समय में क्या होता है, मेवाड़ मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है, स्थापना हुई। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और कहा जाता है कि इसी दौरान कब इसका जो मुख्यालय बनाया गया, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, खेरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया। कहाँ बनाया भैया, खेरवाड़ा उदयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, इसका मुख्यालय, मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय, और मुख्यालय कहाँ बनाया गया, खेरवाड़ा उदयपुर। कहाँ पर, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ पर प्यारे दोस्तों, उदयपुर में। कहाँ पर बनाया गया, उदयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया। किसका, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है, खेरवाड़ा उदयपुर में। इसकी स्थापना कब होती है, सरदार सिंह के समय होती है। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सरदार सिंह के समय इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट शासक की बात करें, स्वरूप सिंह। क्या, नेक्स्ट शासक की बात करें, स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, रूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, हाँ राणा स्वरूप सिंह, यहाँ पर महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह ये 1857 की क्रांति के दौरान थे। ठीक है, और ये कहाँ से, 1842 से लगाकर, कहाँ से प्यारे दोस्तों, 1842 से लगाकर 1861 तक, कहाँ तक शासक रहते हैं, महाराजा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह कहाँ से, 1842 से लगाकर 1861 तक शासक रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक रहते हैं भाई, 1842 से लगाकर 1861 तक शासक बनते हैं, कौन, महाराणा स्वरूप सिंह। अब बात करें क्या क्या घटनाएं घटित होती है इनके शासनकाल में। सबसे पहले तो इसके शासनकाल में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि 1857 की क्रांति, कौन सी, 1857 की क्रांति के समय, किसके समय, क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, ये समय शासक थे। यही शासक थे 1857 क्रांति के समय, कौन शासक थे भाई, 1857 की क्रांति स्वरूप सिंह के समय हुई थी। और स्वरूप सिंह के समय होती है प्यारे दोस्तों, यही स्वरूप सिंह है जिसके बारे में कहा जाता है, जो नीमच के, नीमच से कुछ सैनिक भागे थे, अंग्रेज सैनिक भागे थे। एक तो सेना शाहपुरा होती हुई कहाँ पर, टोंक की तरफ चली गई थी, लेकिन कहा जाता है कि जो 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच की छावनी से भाग कर आए थे, वो चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में आकर रुके थे। कहाँ रुके थे भाई, चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में आकर रुके थे। और डूंगला गांव में रुकने के पश्चात रुग्गाराम किसान के यहाँ, किसके यहाँ रुके थे भाई, डूंगला गाँव में रुग्गाराम किसान के यहाँ रुके थे। और रुग्गाराम किसान इनको रात भर शरण देता है, वहां पर खिलाता है पिलाता है। लेकिन कहा जाता है किसके नेतृत्व में, यहाँ से पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के नेतृत्व में, यहाँ पर उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई, सावर्स। और सावर्स के नेतृत्व में कहा जाता है कि ये किसको, सावर्स को भेजते हैं, और सावर्स को भेज कर क्या करते हैं, वहां से उनको बुलाते हैं। सावर्स के नेतृत्व में बुलाने के पश्चात क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कौन से मंदिर में निवास करवाते हैं, इनको रोकते हैं, इनको शरण देते हैं। किसको शरण देते हैं, उन अंग्रेजों को शरण देते हैं। किसको, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को कहां पर, जग मंदिर में शरण देते हैं। किसमें, जग मंदिर में, किसमें, जग मंदिर में शरण देते हैं, किसमें शरण देते हैं, जग मंदिर में शरण देते हैं अंग्रेजों को। कब, 1857 की क्रांति के दौरान, कब, 1857 की क्रांति के दौरान। और कहा जाता है ये इनसे मिलने भी जाते हैं, और एक एक सिक्का देकर आते हैं, क्या, एक एक सिक्का भी देते थे, इनसे मिलने जाते हैं और एक एक सिक्का देते हैं सभी को। कहा जाता है जब शाम के समय ये मिलने गए तो एक एक सिक्का बांट कर आते हैं, कौन बांट कर आते हैं, स्वरूप सिंह। अब बात करें, यही स्वरूप सिंह है जिनके बारे में कहा जाता है इन्होंने क्या करवाया था, विजय स्तंभ। किसकी बात करें, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ पर आपको पता है कि प्रवेश की नवी मंजिल, कौन सी मंजिल, नवी मंजिल, नवी मंजिल टूट गई थी प्यारे दोस्तों। तो नवी मंजिल टूटने पर, क्या पर, टूटने पर पुनः निर्माण करवाया था, क्या करवाया था इन्होंने, पुनः निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का। किसका निर्माण करवाया था भाई, विजय स्तंभ का पुनः निर्माण। किसका, विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया, ये निर्माण करवाया गया था स्वरूप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया भैया,
नौ नवी मंजिल टूट गई थी, तो कहा जाता है कि यहाँ पर नवी मंजिल को दोबारा बनाने का कार्य भी किसके द्वारा किया गया था, ये स्वरूप सिंह के समय ही किया गया था। और बात करें इनके द्वारा, कहा जाता है कि 1853 में एक जेसी ब्रुक, कौन था, जेसी ब्रुक नामक एक अंग्रेज था, अंग्रेज के सहयोग से मिलकर डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इनके द्वारा क्या किया गया था, डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। इनके द्वारा इनके काल में या इनके समय में जेसी जेसी ब्रुक, जेसी ब्रुक के सहयोग से किस पर रोक लगाई गई थी, डाकन प्रथा पर, किस पर, डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई, प्रथा पर रोक लगाई गई, रोक लगाई गई, डाकन प्रथा पर रोक लगाएगी, किसके सहयोग से भाई, इन्हीं के सहयोग से डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाले स्वरूप सिंह थे, इन्हीं के शासनकाल में लगाएगी। और देखिएगा क्या यहां पर, देखिए प्यारे दोस्तों और क्या क्या जानकारियां मिलती है इसके बारे में, इनके द्वारा सिक्के चलाए गए, कौन से सिक्के, सिक्के इनके, सिक्के इनके, इनके द्वारा इनके इनके सिक्कों की बात करें, किसकी बात करें, इनके सिक्कों की बात करें, इनके सिक्कों को क्या कहा जाता है, स्वरूप शाही, कौन से रूप शाही सिक्के चलाए गए, कौन से सिक्के चलाए गए, स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए, कौन से सिक्के चलाए गए, इनके द्वारा स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए। और स्वरूप सिक्के, स्वरूप शाही सिक्के चलाए गए तो कहा जाता है कि ये अपने सिक्कों पर, किस पर प्यारे दोस्तों, अपने सिक्कों पर क्या लिखवाते हैं, ये दोस्ती लंदन लिखवाते हैं, सिक्कों पर क्या लिखवाया इनके द्वारा, ये मान लीजिए ये सिक्का, और इस पर क्या लिखाया गया इनके द्वारा, इनके द्वारा लिखाया गया दोस्ती, दोस्ती लंदन, क्या लिखाया गया, दोस्ती लंदन लिखवाया गया, सिक्के के ऊपर क्या लिखवाया गया, इनके सिक्के पर दोस्ती लंदन लिखवाया गया, इनके सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखाया गया, इनके द्वारा, किसके द्वारा, स्वरूप सिंह के द्वारा, स्वरूप सिंह के द्वारा, ठीक है, स्वरूप सिंह के द्वारा क्या लिखाया गया सिक्कों पर, दोस्ती लंदन लिखाया गया, क्या ये सिक्का है, क्या ये सिक्का, और इस सिक्के पर क्या लिखा है, दोस्ती लंदन लिखवाया गया, ये अर्थात अंग्रेजों की गुलामी की तरह या को प्रभाव दिखाना चाहते थे, इस कारण कहा जाता है कि यहाँ पर देखिए एक और चांदोड़ी सिक्का चलता था, यहाँ पर सोने का सिक्का था, चांदोड़ी सिक्का, कौन सा, चांदोड़ी सिक्का, सोने का, सोने का चांदोड़ी सिक्का, कौन सा भाई, चांदोड़ी, कौन सा, चांदोड़ी सिक्का, सोने का चांदोड़ी सिक्का चलता था, कौन सा सिक्का चलता था भाई, सोने का चांदोड़ी सिक्का चलता था। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि कोई भी प्रशासन में कोई भी अच्छा कार्य किया जाता था तो कहा जाता है प्रोत्साहन के तौर पर उसे ये भेंट दिया जाता, क्या किया जाता था, इस चांदोड़ी सिक्के को किसी के प्रशासनिक तौर पर वो अच्छे कार्य करने पर इसको भेंट दिया करता था, किसके काम में लिया जाता था, ये भेंट देने के काम में आता था, अर्थात किसके काम में आता था भाई, भेंट देने के काम में आता था, किसके काम में आता था, ये भेंट देने के काम में आता था और भेंट दिया करता था, ये किसका सिक्का हुआ करता था, ये सोने के मुद्राएं हुआ करती थी, चांदोड़ी सिक्का क्या हुआ करता था भाई, सोने का सिक्का हुआ करता था। और बात करें तो यहाँ पर इसी के शासन काल में सती प्रथा, किस पर प्यारे दोस्तों, सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई, किस 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 के शासन काल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, सती प्रथा पर रोक लगाई गई, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई, याद रखना, याद रखना प्यारे दोस्तों, इस पर सती प्रथा पर रोक भी इसी के शासन काल पर लगाई गई, किसके शासन काल में, स्वरूप सिंह के शासन काल में, इसकी पासवान थी सती, कहा जाता है कि जब 1861 में, किसकी, 1861 में किसकी मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है किसकी भाई, स्वरूप सिंह की, किसकी, स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है, किसकी, स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी पासवान कौन प्यारे दोस्तों, इसकी पासवान थी वो सती हो जाती, क्या हो जाती है, सती हो जाती, याद रखिएगा कि पासवान सती हो गई थी, लेकिन इसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, फिर भी इसकी पासवान यानी कि प्रेमिका, इसका मतलब क्या है, प्रेमिका, इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, अर्थात प्रेमिका, प्रेमिकाओं में भी मुख्य दर्जा जो दिया जाता तो वो पासवान कहलाती थी प्यारे दोस्तों। और ये पासवान के द्वारा सती होने का जिक्र कहाँ से मिलता है हमें, ये स्वरूप सिंह की प्रेमिका थी जो 1861 में इसकी मृत्यु पर सती हो जाती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, क्या क्या चीजें, सारी की सारी चीजें ये स्वरूप सिंह से संबंधित पड़ी, ठीक है। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है शंभू सिंह, शंभू सिंह बनता है 1861 से 74 तक, शंभू सिंह कौन बनेगा इसके बाद शासक, इसके बाद बनेगा महाराणा शंभू सिंह, कौन बनेगा, शंभू सिंह, के शासन काल में कोई कार्य हुआ नहीं, शंभू सिंह जो बनेगा 1861 से लेकर 1874 तक, कब तक बनेगा भाई ये शंभू सिंह शासक बनता है, कौन बनता है, शंभू सिंह शासक बनता है, लेकिन इसके काल में कोई विशेष काम नहीं किया जाता, क्या, इसके बाद
सज्जन सिंह। इसके बाद कौन शासक बनता है? इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों सज्जन सिंह। कौन बनेगा? सज्जन सिंह। कौन बनेगा? सज्जन सिंह शासक बनता है कहाँ का? मेरवाड़ का। महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। और ये मेवाड़ का शासक बन जाता है 1874 में। कब बन जाता है भाई? 1874 में शासक बन जाता है। कौन बन जाता है? महाराणा सज्जन सिंह 1874 में मेवाड़ का शासक बन जाता है। मेवाड़ का शासक बन जाने के पश्चात बात करें, ये 74 से लगाकर 84 तक रहता है। कहाँ तक रहता है भाई? 1874 से लगाकर 1884 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 1874 से 1884 तक ये शासन करता है। कौन? महाराणा सज्जन सिंह। अब सज्जन सिंह की बात करें, नेक्स्ट चलेगा। अब इसके शासनकाल में क्या क्या घटना है? सबसे पहले तो ये सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। इसी के समय कहा जाता है कि चार पांच संस्थाएं अस्तित्व में आती है। क्या? इस समय में क्या संस्थाएं अस्तित्व में आती है? पहली बात करें तो यहाँ पर देखिए संस्थाओं की बात करें, किसकी? ये मुख्य संस्थाएं हैं। इसके समय में जो अस्तित्व में आती है कौन कौन सी संस्थाएं हैं? देखिए यहाँ पर बात करें किसकी? सज्जन सिंह के बारे में बात करें, यहाँ पर सज्जन सिंह के बारे में बात करें। और इसके काल में जो संस्थाएं अस्तित्व में आती है वो कौन कौन सी? देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर इजलास, इजलास खास। किसकी? इजलास खास। कौन सी संस्था? इजलास खास। इजलास खास संस्था अस्तित्व में आई थी। इसकी जो स्थापना की जाती है प्यारे दोस्तों, इजलास खास, ये क्या है? संस्था का नाम है। क्या ये संस्था का नाम है? और ये इसकी स्थापना होती है 1877 में। कब होती है भाई? 1877 ईस्वी में। इसकी क्या होती है स्थापना? क्या होती है स्थापना? इसकी क्या हो जाती है? 1877 में स्थापना होती है। ये क्या थी? एक न्यायिक संस्था थी भाई। क्या थी भाई? ये न्यायिक संस्था हुआ करती थी। क्या थी ये? यह न्यायिक संस्था थी। कौन सी संस्था थी भाई? ये न्यायिक संस्था थी। कौन सी संस्था है ये न्यायिक संस्था थी। इजलास खास क्या, कौन सी संस्था थी? इसकी स्थापना 1877 में होती है। और 1877 में स्थापना होने के बाद क्या थी ये? एक न्यायिक संस्था मानी जाती है। देश हितकारिणी सभा या देश हितेशिणी सभा। किसकी बात करें? नेक्स्ट संस्था। और नेक्स्ट संस्था की बात करें तो भाई देश हितेशिणी सभा। कौन सी की बात करें भाई? देश हितेशिणी, हितेशिणी सभा, देश हितेशिणी सभा। ये देश हितेशिणी सभा भी एक संस्था थी भाई। इसका भी कार्य क्या था? देखिए देश हितेशिणी सभा की बात करें, देश हितेशिणी सभा में कहा जाता है कि 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2 जुलाई। कब? 2 जुलाई 1877। कब हुई भाई? 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना की जाती है। ये क्या थी? ये समाज सुधारक संस्था। ये समाज सुधारक संस्था थी। कौन सी? समाज सुधारक संस्था थी। ठीक है, ये कौन सी संस्था थी भाई? समाज को सुधारने का कार्य किया जाता था। और कहा जाता है कवि श्यामल दास भी इसके सदस्य थे। कौन? कवि श्यामल दास। कौन? कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास इसके सदस्य थे। कवि श्यामल दास किस क्या थे? सदस्य थे। क्या थे? सदस्य। क्या थे भाई? इसके सदस्य थे। कवि श्यामल दास इसके सदस्य माने जाते हैं, देश हितेशिणी सभा के सदस्य। इसके बाद बात करें तो ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ के बाद नेक्स्ट बात करें कौन सी संस्था की जिक्र करेंगे। नेक्स्ट जो संस्था है इसके शासनकाल में कौन सी संस्था का जिक्र किया जाता है भाई? महा इंद्राज सभा। कौन सी? महा इंद्राज सभा। नेक्स्ट संस्था महा इंद्राज सभा। ये भी एक संस्था थी भाई, महा इंद्राज सभा। ये भी इसी के समय अस्तित्व में आई। और कहा जाता है कि इसके समय इसका क्या काम था भाई? 20 अगस्त 1880 को। कब इसका स्थापना होती है? 20 अगस्त। कब होती है? 20 अगस्त। कब प्यारे दोस्तों? 20 अगस्त 1880 को। 20 अगस्त 1880 को। कब? 20 अगस्त 1880 को इसकी स्थापना होती है। इसका भी काम क्या था? न्यायिक संस्था थी ये। न्यायिक संस्था थी। कौन सी? न्यायिक संस्था थी। ये भी कौन सी संस्था थी? न्यायिक संस्था थी प्यारे दोस्तों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ये भी कौन सी संस्था थी? न्यायिक संस्था थी। और कालांतर में कहा जाता है ये पहली संस्था, और इसको पहले बाद में मिला दिया जाता है, और मिला देने के पश्चात क्या दोनों को एक कर दिया जाता है। ये भी न्यायिक संस्था थी और वो भी न्यायिक संस्था थी, तो दोनों को बाद में मिला दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है भाई? बाद में मिला दिया जाता है और दोनों को एक कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात किया जाए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या किए? महकमा खास की स्थापना की जाती है। बात करें
नेक्स्ट संस्था महकमा, महकमा खास, महकमा खास ये भी एक संस्था है भाई, महकमा खास। इसकी जो स्थापना की जाती है 1880 को की जाती है, 1 नवंबर 1880 को। कब की जाती है? 1 नवंबर 1880 को। महात्मा खास की स्थापना कब की जाती है भाई? 1 नवंबर 1880 को महात्मा खास की स्थापना की जाती है। इसका काम क्या था? इसका काम था भाई, ये प्रशासनिक संस्था। कौन सी संस्था मानी जाती है? ये प्रशासन चलाने के लिए संस्था थी। कौन सी संस्था थी ये प्रशासनिक, प्रशासनिक संस्था थी। कौन सी संस्था थी भाई? कौन सी संस्था थी ये प्रशासनिक? कौन सी संस्था थी? ये प्रशासनिक संस्था थी, ठीक है, प्रशासनिक ये संस्था थी। कौन सी संस्था थी ये प्रशासनिक संस्था हुआ करती थी। ये चार संस्थाएं इसके रूप में जो, या इसके बारे में खूब सारी जानकारियां प्राप्त होती है हमें। और क्या क्या जानकारियां मिलती भाई, इसी की बात करें नेक्स्ट। चलिए अब इसके निर्माण कार्य क्या क्या करवाता है ये, इसके द्वारा सबसे पहले बात करें इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग। कौन सा? सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग कहा जाता है कि सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है कौन? करवाता है भाई सज्जनगढ़ का दुर्ग का निर्माण कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ करवाया जाता है? उदयपुर में। कहाँ पर करवाया जाता है सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण? तो इसके द्वारा करवाया जाता है, याद रखिएगा। जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दो मंजिला माना जाता है। कौन से? सज्जनगढ़ दुर्ग दो मंजिला बना हुआ है, कई जगह पांच मंजिला भी मिलता है, ठीक है, दो मंजिला माना जाता है, याद रखना। और क्या बात करें इस सज्जन कीर्ति सुधारक कर, इसी के समय समाचार पत्र प्रकाशित होता है। कौन सा समाचार प्रकाशित होता है? सज्जन कीर्ति सुधाकर। कौन सा भाई? सज्जन, सज्जन कीर्ति सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? प्रकाशित हुआ, इसी के समय प्रकाशित किया गया था। सज्जन कीर्ति सुधाकर प्रकाशित हुआ, याद रखना, प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि इसी के समय, किसके समय? सज्जन सिंह के समय सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र निकाला गया। और ये कहा जाता है कब निकाला गया? ये 1878-79 में। कब निकाला गया? 1878-1879 के समय निकाला गया। 1878-1879 के समय निकाला गया सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको इंपोर्टेंट लगा ले। क्या लगा ले भाई? इंपोर्टेंट लगा ले। ये समाचार पत्र पूछा जाता है सज्जन कीर्ति सुधाकर, कब निकाला गया, कहाँ से निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया। और क्या प्यारे दोस्तों, इसी को, किसको प्यारे दोस्तों? सज्जन सिंह को अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी गई थी, या एक कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रेड जनरल कहा जाता है कि एक उपाधि से संबोधित किया गया था, जनरल कमांडर द स्टार ऑफ इंडिया। जनरल, कमांडर जनरल कमांडर द स्टार ऑफ इंडिया, ये उपाधि संबोधित किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है इनको? अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी उपाधि थी ये, क्या थी भाई? ये उपाधि थी। किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा दी गई। और कहा जाता है कि इन्हें ये उपाधि संबोधित किया गया। और इसमें भी अंग्रेजों की बात करें तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा दी गई थी, जो गवर्नर जनरल हुआ करता लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे दी गई थी सज्जन सिंह को। और समझ में आए तो और बातें करते हैं प्यारे दोस्तों। इन्हीं के समय दयानंद सरस्वती की बात करें, दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे। कहाँ आए थे भाई? दयानंद सरस्वती का हम जिक्र करें तो 1882 में दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। कौन? इसी के समय 1882 में। कब प्यारे दोस्तों? 1882 में दयानंद सरस्वती कहाँ आए थे? उदयपुर आए थे। कहाँ आए थे? दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। कहाँ आए भाई? दयानंद सरस्वती इसी के समय उदयपुर आए थे। और कहा जाता है सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण यहीं पर लिखा गया था। इसका सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है भाई। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण। कौन सा? द्वितीय संस्करण
संस्करण यहीं पर लिखा गया, यहीं पर लिखा, ठीक है। कहाँ पर लिखा भाई? उदयपुर में लिखा गया था, ठीक है, उदयपुर में लिखा गया था। द्वितीय संस्करण किसका? सत्यार्थ प्रकाश जो दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है, इसका द्वितीय संस्करण यहीं पर लिखा गया था। और कहा जाता है कि इसका जो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसका जो प्रकाशन किया जाता है वो अलग तरीके से किया जाता है भाई। क्या किया जाता है? अलग तरीके से किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? ये जो छपाई हुई थी इसकी, इसके द्वितीय संस्करण की, वो वैदिक मंत्रालय प्रेस अजमेर से हुई थी। इसकी छपाई का काम करें तो छपाई, छपाई किसके द्वारा? वैदिक, वैदिक मंत्रालय, वैदिक मंत्रालय, वैदिक मंत्रालय प्रेस, वैदिक मंत्रालय प्रेस कहाँ पर है भाई? अजमेर, अजमेर। इसकी छपाई कहाँ हुई थी? अजमेर। कहाँ पर हुई थी भाई? इसकी जो सत्यार्थ प्रकाश की छपाई कहाँ पर हुई थी? इसके द्वितीय संस्करण की छपाई कहाँ पर हुई थी? ये वैदिक मंत्रालय प्रेस कहाँ पर? अजमेर में हुई थी। ये याद रखना है प्यारे दोस्तों। और 1883 में उदयपुर में प्रोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। किसकी? उदयपुर में 1883, कब प्यारे दोस्तों? 1883 में उदयपुर में, कहाँ पर? उदयपुर में परोपकारिणी सभा। किसकी परोपकारिणी? किसकी परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। सभा की स्थापना, स्थापना की, ठीक है। 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरस्वती के द्वारा, ठीक है। किसके सहयोग से? सज्जन सिंह के सहयोग से। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 1883 में इसकी परोपकारिणी सभा की स्थापना सज्जन सिंह के सहयोग से दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? उदयपुर में। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ये थे आपके सज्जन सिंह, और ये जिसके कहा जाता है इस परोपकारिणी सभा के जो अध्यक्ष है वो सज्जन सिंह को ही बनाया गया था। तो बनाया गया था सज्जन सिंह को ही इस परोपकारिणी सभा के अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, याद रह जाएगा। इसके बाद जो अस्तित्व में आता है, अर्थात इसके बाद कौन सा शासक बनता है? महाराणा फतेह सिंह, जो 1884 से लगाकर 1800, कहा जाता है कि 1921 तक शासक बनते हैं। महाराणा, महा राणा फतेह सिंह, फतेह सिंह कौन भाई? महाराणा फतेह सिंह कहाँ से? 1884 से लगाकर 1921 तक शासक बनते हैं। कहाँ तक शासक बनते हैं? 1884 से लगाकर 1921 तक शासक कौन बनते हैं? महाराणा फतेह सिंह जी बनते हैं, याद रखिएगा। कहाँ के? मेवाड़ के। अब बात करें पहले, ये वही फतेह सिंह जी है जिसके बारे में कहा जाता है केसरी सिंह भारत के द्वारा क्या 1300 सोटे लिखकर भेजे गए थे, और ये कहाँ पर? दिल्ली दरबार में उपस्थित होने जा रहे थे। तो केसरी सिंह के भारत के ये सोटे कहाँ पर? कहा जाता है अजमेर के एक रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं इन्हें, और मिलने के पश्चात ये वहीं से वापस आ जाते हैं बिना भाग लिए, दिल्ली दरबार में बिना भाग लिए हुए, बिना उपस्थित हुए। चेतावनी राज चुंगटिया जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? चेतावनी राज चुंगटिया, क्या कहा जाता है? चेतावनी का चुंगटिया नामक जो सोट है वो केसरी सिंह भारत ने इनको भेजे थे, इन्हीं फतेह सिंह जी को भेजे थे। ये क्योंकि कहा जाता है कि 1903 में, कब यार दोस्तों? 1903 में दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, और उसी दौरान इनको ये 1300 सोटे प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, 1903 में, कब? 1903 में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। किसका? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दरबार लगाया जाता है। कहाँ? दिल्ली दरबार। कौन सा? दिल्ली, दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार लगाया जाता है? दिल्ली दरबार लगाया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब मेरे दोस्तों? ये इस समय दरबार किया जाता है। कहा जाता है इसी समय केसरी सिंह भारत ने इस समय केसरी सिंह भारत भारत ने इन्हें 13 सोटे, 13 सोरठे डिंगल, कौन सी भाषा में? डिंगल,
सिंघल भाषा में लिखकर भेजे थे। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे भाई? डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि गोपाल सिंह खरवा इसको कहाँ पर नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर जाकर दिया था, इनको कहाँ पर दिया था? गोपाल सिंह खरवा ने इसने गोपाल सिंह खरवा गोपाल सिंह खरवा ने कहां पर दिया था? नसीराबाद, कौन से? नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन पर दिए थे। कहां पर दिए थे ये? ठीक है, नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर दिए थे। ठीक है, भेजे थे जिन्हें जिन्हें चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया कहते हैं, क्या कहते हैं? जिन्हें चेतावनी रा चुंगटिया कहते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार की ओर कहा जाता है कि इसका दिल्ली दरबार ही माननीय एक प्रकार से इसका, क्या इसका राज्य समारोह मनाया जा रहा था पर दोस्तों। और प्रथम विश्व युद्ध के समय गोपाल सिंह ने कहा जाता है मेवाड़ के मेवाड़ लांसर सेना भेजी थी के दौरान भाई। और अंतिम जो शासक की बात करें हम, मेवाड़ रियासत के अंतिम शासक की ओर बढ़ रहे प्यारे दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास समाप्त हो जाएगा। भोपाल सिंह महाराणा या महाराजा, महा राज महाराणा, महाराणा भोपाल सिंह, भोपाल भोपाल सिंह की बात कर रहे भाई, महाराणा भोपाल सिंह की। महाराणा भोपाल सिंह जो है ये 1921 से लेकर 1947 तक, 1947 तक ये शासक करते हैं। ये अंतिम शासक माने जाते हैं मेवाड़ रियासत के भाई, मेवाड़ रियासत के अंतिम शासक करवाने जाते हैं। 47 कहते हैं, 48 कहते हैं, तो 48 भी यहाँ पर 48। ठीक है, चलो भाई, 48 में हुआ था एकीकरण, क्योंकि 48 चलिएगा भाई। अब बात करते हैं किसकी? भोपाल सिंह, किसकी? भोपाल सिंह, यह मेवाड़ के अंतिम शासक थे। यह मेवाड़ के अंतिम शासक थे। उसके बाद बात करें, यह एकीकरण के दौरान राजस्थान के एकीकरण के दौरान एकमात्र महाराज प्रमुख बने, महाराज प्रमुख बने। ठीक है, ये एकमात्र महाराज प्रमुख थे। ठीक है, याद रखना, ये एकमात्र एकीकरण के समय एकमात्र महाराज प्रमुख थे जिनको महाराज प्रमुख का पद, राज प्रमुख के पद से हटाकर इन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया, और जिनकी मृत्यु तक ये पद इन्हीं को दे दिया गया। और याद रखना प्यारे दोस्तों, प्रथम कौन से? यहाँ पर विश्व युद्ध की बात करें, कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसमें प्यारे दोस्तों? प्रथम कौन से? प्रथम विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भोपाल सिंह द्वारा, भोपाल सिंह ने मुंबई लांसर्स, कौन सा? मेवाड़ लांसर्स, या मेवाड़ लांसर्स, मेवाड़ लासंस सेना भेजी थी। सेना अंग्रेजों के सहयोग के लिए भेजी थी। चलेगा भाई, मुंबई लांसर्स सेना अंग्रेजों के सहयोग के लिए, अंग्रेजों के सहयोग के लिए, सहयोग के लिए भेजी। ठीक है मेरे दोस्तों, मेवाड़ लांसर्स जो सेना है वो कहा जाता है महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा
मेवाड़ लांसर्स को भेजा गया प्रथम विश्व युद्ध में, याद रखना। और अंग्रेजों ने इसे क्या नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर, क्या अंग्रेजों ने इसको उपाधि दी, कौन सी उपाधि, नाइट